हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और ये मेरा पहला व्लॉग है, नॉन टेक्निकल व्लॉग कह सकते हैं आप। यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा बात नहीं करने वाला हूँ और कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीखें और आप सीखने के लिए कुछ यहाँ पर आए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला लोगों को कि, और ये वीडियो बिल्कुल भी कोई एडिटेड नहीं होगी, कुछ भी एडिटेड नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रखूँगा इसको। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कैसे मैंने अपनी जर्नी शुरू की, ये हैकिंग वगैरह के बारे में और ये टेक्निकल चीज़ें कैसे शुरू की, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अब लोगों से बताना चाहता हूँ। क्योंकि अब काफ़ी लोग हो चुके हैं और काफ़ी अटैच्ड हैं लोग मुझसे, अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ उनको नया सिखाऊंगा। मोस्टली ज़्यादातर लोग हैकिंग की डिमांड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही में जनरली कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं। अब हैकिंग की वीडियोस मैंने काफ़ी बनाई जिसमें मैंने बताया कैसे आप एंड्रॉयड वगैरह हैक कर सकते हो। ठीक है, वो काफ़ी हद तक एक प्रैक्टिकल सीखने के लिए बढ़िया है, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी को करें ऐसे, किसी की इन्फॉर्मेशन लीक करें, ये किसी की प्राइवेसी को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। अब खैर, ये तो अपने ऊपर अलग अलग इंसानों पर डिपेंड करता है कि हो सकता है अगर माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के बारे में आप जानना चाहते हो, तो खैर आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, डिपेंड करता है इंसान इंसान पर। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे ये सब शुरू किया। तो 2004 की बात है, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था। तो ऐसे ही जब हमारे क्लास में पहली बार हमको कंप्यूटर क्लास में ले गए, मतलब मैं एक नॉर्मल सी फैमिली से हूँ, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे, जो फोर्थ क्लास में जब बच्चे होते थे, उनको पहली बार कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता था। तो 2004 में मैं पहली बार एक कंप्यूटर लैब में गया था। उस ज़माने में विंडोज़ 98 और ये सब होता था, विंडोज़ 7 ये इतने फैंसी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब नहीं आए थे उस वक्त। तो हम गए पहली बार वहाँ पर, टीचर ने हमें बताया, देखो ये कंप्यूटर होता है और ये माउस इसे बोलते हैं। और माउस भी कौन सा आता था, वो बॉल वाला माउस आता था, उसमें ऑप्टिकल माउस नहीं होता था, बॉल वाला माउस होता था, उसमें बॉल होती थी और उसकी बॉल से खेलते थे हम जब छोटे थे। और कंप्यूटर काफ़ी देखा, अच्छा लगा कि अरे वाह, इसमें ऐसे ऐसे इसको हिलाते हैं, माउस पॉइंटर हिलता है। तो मेरी लैब में 3 कंप्यूटर थे उस वक्त और बच्चे मेरी क्लास में 20-25 रहे होंगे। तो काफ़ी हड़बड़ी हुई, किसी को छूने को भी नहीं मिला हमको, अगर कंप्यूटर छूने को मिला तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, अरे वाह हमने कंप्यूटर रहा, आज बटन दबाया, मज़ा आ गया, ऐसे शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, 4th, 5th, 5th स्टैंडर्ड में आए, तो हमें कंप्यूटर मिलने लगा, थोड़ा सा हम पेंट वगैरह चलाने लगे उसमें। टीचर बोलती थी कि पेंट में कुछ ड्रॉ करो, HTML वगैरह उस वक्त नहीं सिखाया गया था हमें, क्योंकि बच्चे हैं कौन सिखाता, आजकल कंप्यूटर क्लासेस में कुछ नहीं बताते, आज भी वही हाल है कि बस HTML पढ़ाते हैं 12th तक, उससे आगे अगर वेबटेक वगैरह ले लो तो थोड़ा बहुत बता देते हैं, नहीं तो IP वगैरह ले लो तो बता देते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लो तो बता देते हैं, नहीं तो नॉर्मल लोगों को तो सिर्फ ऐसे ही बस कुछ कुछ चलाने को मिलता है बस। मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, शायद दूसरे स्कूल्स में ऐसा हो कि शायद अच्छी नॉलेज भी दी जाती हो। तो ऐसे ऐसे मेरा थोड़ा ध्यान इस पर चला गया, मैंने को अच्छा लगने लगा, फैसिनेटिंग है यार, कुछ तो करना चाहिए कंप्यूटर में, चलाते थे, काफ़ी अच्छा लगा। फिर साइबर कैफ़े में जाने लगे, तो उस वक्त तक मैं थोड़ा बहुत बेसिक सीख चुका था। हैकिंग में मेरा थोड़ा ध्यान आगे बढ़ने लगा कि क्या हुआ कि एक छोटी सी वेबसाइट थी एयरटेल पर, जब एयरटेल में नेट चलता था, 2005-06 की बात है, मोबाइल कैंपस करके एक वेबसाइट थी, वो ऐसी वेबसाइट थी कि जो जीरो बैलेंस पे खुल जाती थी। तो मेरे पास जब फ़ोन था तो वो मेरा शेयर्ड फ़ोन था, मतलब मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था, मेरी पूरी फैमिली के पास वो एक ही फ़ोन था जिसमें GPRS खुल सकता था। तो उसमें क्या होता था, बैलेंस तो जीरो रहता था, क्योंकि अब मैं सारे इंटरनेट पे पैसे उड़ा देता था, क्योंकि 30 पैसा कुछ कटता था। और मुझे याद है जब, जैसे मान लीजिए 4 रुपये 60 पैसा है, तो जो 60 पैसे होते थे बचे हुए, मैं सोचता था अरे वाह ये 60 पैसे मेरे हैं, मतलब इससे मैं 2 पेज खोल सकता हूँ। तो ऐसे जो भी पैसे बच जाते थे ना मोबाइल में बैलेंस में, तो पैसे मैं यूज़ कर लेता था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी जो थोड़ा लालच है इंटरनेट का बढ़ता गया, मतलब अब और खोलना है तो चलो 1 रुपये यूज़ कर लेते हैं, आज 2 रुपये यूज़ कर लेते हैं। घर वाले बोलने लगे अरे इसमें पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई धीरे धीरे। फिर मेरा खुद का फ़ोन मेरे को 2007 में मिला, उसमें मैं 0 बैलेंस रखता था। और उस वक्त पे एक चीज़ बहुत चलन में आई थी कि फ्री इंटरनेट यूज़ करो। तो जो सबसे पहले चीज़ मैंने हैक की थी वो एयरटेल के सिम को हैक किया था मैंने, और फ्री इंटरनेट उसमें चलाया था और 0 बैलेंस पे चलाता था। ओपेरा मिनी आता था, ओपेरा मिनी हैंडलर, हैंडलर एक मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा एप्लीकेशन होती है जिसमें आप कुछ सर्वर वगैरह डाल के इंटरनेट फ्री चला सकते हो। तो उस वक्त ट्रिक्स आई थी बैक क्वेरी, फ्रंट क्वेरी, रिवर्स IP, वो सबसे पहला मेरा रिवर्स IP का प्रैक्टिकल वही था 2007 में। तो धीरे धीरे करके ऐसे और रुचि बढ़ती गई। मैं अपने मोबाइल में, मेरे को याद है कि मैं अपने जो मोबाइल में, मेरे पास नोकिया 3110 था,
नोकिया 3110C, काफ़ी बेसिक सा मोबाइल है, लेकिन उस ज़माने में तो कैमरा मोबाइल की तो बहुत वैल्यू होती थी। तो उसी से मैंने वेबसाइट्स बनाने शुरू की। मोबाइल वेबसाइट्स में मैं इतना माहिर हो चुका था, वेब का एक सर्विस है जहाँ पर आप मोबाइल वेबसाइट्स बना सकते हो, वेब का, वहाँ पर मैंने वेब का पे छोटी छोटी मोबाइल वेबसाइट्स बनानी शुरू की। काफ़ी मज़ा आता था, दो लिंक डाल दिए, पूरे दिन में सिर्फ दो ही लिंक डाल पाता था क्योंकि इंटरनेट उसमें उस ज़माने में बहुत स्लो हुआ करता था। 2G चलता था, कभी कभी ई आ जाता था, मतलब एज कनेक्शन चलता था, कभी कभी सिर्फ जी लिखा रहता था। तो ऐसा होता था कि जब मैं सोता रहता था, सोने जाता था तो एक पेज खुलता था और उस पेज को खुलने के इंतज़ार में, वो जो ओपेरा मिनी कनेक्टिंग ही बोलता रहता था, और उसको खुलने के इंतज़ार में मैं सो जाया करता था। तो जब उठता था तो मेरे को पेज खुला हुआ मिलता था। ये हालत थी, इतना स्लो इंटरनेट था उस ज़माने में। कंप्यूटर तो उस वक्त मेरे पास नहीं था, साइबर कैफ़ेज़ में जाके चीज़ें किया करता था। साइबर कैफ़ेज़ भी उस समय काफ़ी महंगे थे, 20-25 रुपए ले लेता था एक बार एक घंटे के, और वो भी काफ़ी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि साइबर कैफ़े में एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड आपको नहीं मिलता है, तो नेट वेट ही सर्व कर पाते हैं। फिर मोबाइल कैंपस में एक इंसान चैट रूम था वहाँ पर। मोबाइल कैंपस एक फ्री वेबसाइट थी जो एयरटेल के जीरो बैलेंस पे चलती थी। तो मेरे पास जीरो बैलेंस रहता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं 10 रुपये का रिचार्ज डलवा लूँ। मेरे घर वाले भी नहीं देते थे, उनको यही लगता था कि मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहा है तो वैसे ही टाइम पास कर रहा है, कुछ मतलब काम का नहीं कर रहा है, ऐसे ही मज़े ले रहा है। मोबाइल दे दिया बहुत बड़ी बात है, फोटो वोटो खींचेगा, इंटरनेट की क्या ज़रूरत है। तो जीरो बैलेंस हुआ करता था मेरे पास, तो वही एक साइट थी जो फ्री खुला करती थी, तो मैं खुलता था उसको। उसमें चैट होता था, बेसिकली उसमें ग्रुप चैट होता था, चैट रूम था उसमें। तो किसी ने बात की हैकिंग की वहाँ पर और बोला कि मैं किसी का भी अकाउंट हैक कर सकता हूँ। मुझे याद है उस इंसान का नाम रिकी था। तो मैंने बोला करो मेरी मेरी आईडी हैक करके दिखाओ क्या होता है। तो बोला यार मान जा, तेरा आईडी वाईडी सब तेरी ख़राब हो जाएगी, तेरे फोटो मैं डिलीट कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने बोला करो करो, कोई दिक्कत नहीं करो। तो मुझे इतना नहीं पता था इसके बारे में। तो उस इंसान ने मेरी आईडी हैक कर दी और मेरा नाम क्या रख दिया और मेरे प्रोफाइल पिक्चर बदल दी, बायो आयो सब चेंज कर दिया। यार मैंने बोला ये क्या चीज़ हो रही है यार, मैंने तो उसको क्या, मैंने तो किया नहीं, ये सब क्या हो गया। तब उस टाइम पहली बार पता चला कि यार हैकिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। बहुत मज़ा आया। फिर मैंने उसको बोला यार मुझे प्लीज़ सीखना है, ये मुझे सीखना है किसी भी कीमत पर, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कैसे करते हो। नहीं बताया उसने, मुझे नहीं बताया उसने। बोला नहीं नहीं छोटू, मतलब उम्र में मुझसे बड़ा था उस वक्त, तो मैं बहुत छोटा था, कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेता था। अगर मैं कस्टमर केयर को भी कॉल करके बोलता था कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, पेज नहीं खुल रहा है, तो मेरे से बोलते थे बेटा, आवाज़ पतली थी उस वक्त, नॉर्मल सी बात है, आवाज़ पतली थी, तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। कोई बोले तो कस्टमर केयर बोलता बेटा अपने पापा को बोलो, वो आप हमसे बात करेंगे तो हम आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक कर देंगे, तो ऐसे बोलते थे। फिर मैंने क्या टॉवल लगा लगा के फ़ोन में मोटी आवाज़ वाज करके, हेलो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऐसे कर करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हैकिंग देखे, गूगल देखा, फिर क्या हुआ, सबसे पहली साइट मैंने गूगल खोली थी। ज़ीरो दबा के रखते थे उसमें नोकिया के फ़ोन में, तो लोडिंग लेता था काफ़ी देर तक और उसके बाद वो पेज खुलता था। कॉल आ रही थी कुछ भी एडिट नहीं करने वाला हूँ इसमें मैं, ये जो है आपके पास बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड लगा देता हूँ ताकि और नेक्स्ट कॉल ना आ सके। तो ऐसे ऐसे धीरे आगे बढ़ता गया है, गूगल खोला मैंने, चीज़ें सीखी, फिर गूगल से सीखी मैंने, फिर जो मुझे समझ नहीं आता था गूगल से लिख दिया, जो समझ नहीं आया गूगल पे, उसके बारे में अलग अलग फोरम्स देखे क्या क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन की, लोगों से पूछताछ की। और वो रिकी जो लड़का था जिसने पहली बार हैक किया मेरा, उसने मुझे एक दो महीने तक कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा रहा। मैंने बोला मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू मुझे बताएगा नहीं ये हुआ कैसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। लास्ट में थक हार के जब मैंने बहुत पीछे ही पड़ गया उसके, एकदम हर वक्त पीछे ही पड़ गया, मिस कॉल मारने लगा उसके नंबर पे लेके उसको, तो लास्ट में उसने बोला ठीक है छोटू बता देता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत ये। मैंने बोला नहीं बताऊँगा, बता दो आप बस करना कैसे इसको। उसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे चेंज करना है, URL चेंज करना है, और बेसिकली एक फ्लॉ था उस वेबसाइट में कि जो लोग नए रजिस्टर करते थे उसका URL आप नोट कर लो और किसी की भी ID से फिर आप दोबारा रजिस्टर कर सकते हो उसका मोबाइल नंबर URL में डाल के। तो फिर तो मैंने आतंक मचा दिया, मतलब मैंने उस वेबसाइट की इतनी आईडी हैक की एयरटेल वालों की कॉल आ गई मुझे, बोला ये क्या हो रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं अंकल, तो उनको लगा छोटा बच्चा है छोड़ो। तो एक्चुअली ये ब्लैक हैट प्रैक्टिस ही थी, मतलब ब्लैक हैट हैकिंग ही से बोलेंगे, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तो बोलते बेटा गलत बात है, ये सब मत करो। कोई सीनियर मैनेजर था कोई एयरटेल का, उसने मेरे को कॉल करके बोला कौन है क्या है सर। मैंने बोला अंकल मैं तो बच्चा हूँ, मतलब अंकल मैं 7th क्लास में हूँ या 6th में जो भी। तो बोले ठीक है बेटा ये मत करो, ये गलत बात है, तुमने कहाँ से सीखा। मैंने बोला एक भैया ने बताया। तो ठीक है, तो बोला ये सब मत करो बेटा, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे पापा को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बोला ओके अंकल नहीं करूँगा।
तो काफ़ी हद तक मैं डर चुका था, छोटा बच्चा है, अब कोई भी कॉल करके बोलेगा तो वो डर जाएगा। फिर मैंने ये सब चीज़ें नहीं की, फिर मैं थोड़ा सीखने लगा, वेबसाइट्स बनाने लगा। उस समय मेरे पास पैसा नहीं आ रहा था, मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा था उस वक्त, सिर्फ सीख रहा था। तो आप कह सकते हो 2004 जब से मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा, तब से लेकर 2010-11 तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। उस समय मैं ऐसे ही काम करता था क्योंकि फ्री वेबसाइट बनाता था, मोबाइल पर आप इंसान क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में ऐसे कि कंप्यूटर ना होना, साइबर कैफेज में जाना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक साइबर कैफे में गया, वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिनको कुछ नहीं आता था, मतलब वो DCA कर रहे हैं, कुछ होता है ना साइबर कैफे वाले कुछ अपना ट्यूटोरियल सेंटर या ऐसे कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, लोगों को सिखाते हैं थोड़ा बहुत MS-DOS वगैरह ये सब। तो ऐसे कई लोग थे वहाँ पर जो सीख रहे थे लेकिन उनको कुछ आता नहीं था। तो वहाँ एक ऐसे अंकल थे, वो पूछते थे देखते हैं इनमें से आप में कौन से स्टूडेंट में से कौन सा ज़्यादा जानता है। तो इत्तेफाक के तौर पर जो स्टूडेंट थे उनके साइड में जस्ट मैं बैठा था, मैं उसका स्टूडेंट, कोचिंग सेंटर वो जो साइबर कैफे था मैं उनका स्टूडेंट नहीं था लेकिन साइड में बैठा हुआ था। उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, शायद डॉस के ऊपर, MS-DOS के ऊपर पूछा था या वर्ड के ऊपर कोई चीज़ पूछी थी, मुझे याद नहीं है। तो कोई आंसर नहीं दे पाया था और मैंने आंसर दे दिया। तो उन्होंने और क्वेश्चन वो पूछते गए, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था इसमें, मैंने गूगल पे सारी टर्म सर्च मारी हुई थी, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, HTML पेज क्या होता है, ये सब सर्च मारा हुआ था मैंने पूरा, एकदम प्रिपेयर था मैं। तो वो क्वेश्चन करते गए और मैं आंसर देता गया। अब सब लोग मुझे देखेंगे, बोले ये कौन है यार, ये तो हमारे साथ पढ़ता भी नहीं है। वैसे मैं थोड़ा बिजी था साइड में क्योंकि 15 रुपये दिए थे मेरे एक घंटे के, तो मैं अपना इंटरनेट सर्फ करने में बिजी था, रिसर्च करने में। सबकी नज़र पड़ गई तो बोले बेटा आप पढ़ते हो यहाँ? मैंने बोला नहीं अंकल पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ कभी कभी इंटरनेट चलाने आता हूँ। ऐसे अब भी बहुत लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो साइबर कैफेज़ में जाते हैं। तो बोला अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा सीखते हो। बोला ये आपका स्टूडेंट है? बोला नहीं ये स्टूडेंट नहीं है, ये साइड की गली में रहता है, वहीं चलाने आ जाता है कभी कभी कंप्यूटर। धीरे धीरे ऐसे गया, फिर आगे मैंने, मेरे पास कंप्यूटर आया 2009 में, मेरे पास कंप्यूटर आया खुद का पर्सनल, जिसे मैं अपने रूम में रख के ऐप चला सकता था, काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो कैसे कैसे करके पैसों को जुगाड़ करके 100 रुपये 128 रुपये का कुछ इंटरनेट पैक डलवाया, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया अपने फ़ोन को और इंटरनेट चलाने लगा, चीज़ें सीखने लगा। फिर ऐसे ही सीखता रहा अपने कंप्यूटर पे नई नई चीज़ें, सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में काफ़ी डीप में आप तभी जान पाते हो जब आपके पास कंप्यूटर हो, बिना कंप्यूटर के सब नहीं होता। तो पहली बार कंप्यूटर आया वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पे कि पढ़ाई में काम आएगा, ये होगा वो होगा, प्लीज़ एक कंप्यूटर ला दो, आया। फिर सीखे हमने, सीखी चीज़ें सीखी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं काफ़ी हद तक बहुत डीप जा चुका था, हैकिंग में भी और ये टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी डीप जा चुका था। और मैं लोगों को देखता था साइबर कैफे में, लोग जा रहे हैं वो सीख सीख के आ रहे हैं, DCA कर रखा है, ये डिग्री वो करी, और वो साइबर कैफे वाले को बार बार बोल रहा है भैया इसमें ऑर्कुट नहीं खुल रहा है। उस ज़माने में ऑर्कुट हुआ करता था, अभी तो बंद हो गया ऑर्कुट, फेसबुक इतना पॉपुलर नहीं था उस वक्त। तो लोग बोलते भैया ऑर्कुट नहीं खुल रहा है, उसमें गूगल खुला हुआ है, ऑर्कुट ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता है क्या करना है। तो जो साइबर कैफे वाले भी होते हैं वो कोई प्रोजेक्ट, बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, साइबर कैफे वाला बना के देता है, ज़्यादा पैसे लेता है। काफ़ी हद तक इन चीज़ों में लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था, मतलब कंप्यूटर जिसको नहीं आता, कोई कंप्यूटर नहीं चला सकता, उसको काफ़ी नीचे नज़र से, मतलब ऐसे देखा जाता था यार इसको कुछ भी नहीं आता, और वो इंसान काफ़ी असहाय फील करता था क्योंकि मशीन है, इंसान ने बनाई है, ठीक है, तो इंसान से बड़ी नहीं है ये जो कंप्यूटर है, ये इंसान से बड़ा नहीं है। इंसानी दिमाग वो कर सकता है जो शायद कंप्यूटर नहीं कर सकता, अब भी नहीं कर सकता। तो काफ़ी हद तक लोगों को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वो नहीं जानते कंप्यूटर चलाना, ठीक है आप सिखाइए उन्हें, गलत स्कूल में भी डांट देते हैं कि तुमको तो कुछ नहीं आता है। ऐसे मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था जब मैं छोटा था, मुझे काफ़ी बुरा लगा कि यार मैं सीखना चाहता हूँ आप क्यों बताना नहीं चाहते। बोले नहीं कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाओगे, स्कूल में ऐसे बोलते थे कंप्यूटर को तुम खराब कर देते हो, दूर रहो ये क्या कर दिया। थोड़ी सी भी फोल्डर गलत बन जाता था टीचर डांट रहा है, साइबर कैफे में लोग प्रोजेक्ट बनवाने जा रहे हैं 300-300 रुपये दे रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं लोग उनका, गलत है। मैंने सोचा यार मैं अगर कुछ कर पाऊँ इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो, मैं लोगों को कुछ बता पाऊँ। तो उसके बाद ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे को सिखाने का एटीट्यूड आने लगा कि मैं थोड़ा जो मैंने खुद सीखा है मैं लोगों को बताऊँ और सिखाऊँ लोगों को, ताकि मेरे से कुछ जान सके, मैं जो जानता हूँ उनको बता सकूँ, या कोई नई चीज़ अगर वो जानते हैं तो मुझे बता पाएँ। उस समय मैंने यूट्यूब का सोचा भी नहीं था, ये तो एक रैंडम था, आप देखेंगे एक पहले ही ऐसी वीडियो बना दी मैंने, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। मेरी पहली वीडियोज़ भी आप यूट्यूब पर अभी देखोगे इस चैनल पर इतनी भद्दी है, इतनी गंदी क्वालिटी में, ऐसे ही बस रख के छत पे, इसी छत पे रख के ऐसे ही शुरू हो गया था मैं। ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि प्रोफेशनल कोई चैनल बनाऊंगा। तो मैंने सोचा यार मैं ऐसे बताता हूँ अपनी गलियों में लोगों को, क्यों ना थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे किया जाए। मेरी टंग थोड़ा स्लिप हो जाती है तो एडिट नहीं करने वाला हूँ, जैसे का तैसे है ये।
तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर मेरे को थोड़ा सा यार लगा कि अब कुछ पैसे कमाए जाएँ, मतलब थोड़ा जानते हो पैसे कमाए जाएँ। तो मैं साथ ही साथ लोगों को फ्री में नॉलेज भी देता गया। साइबर कैफ़े में भी मैंने काफ़ी दिन काम किया, तो वहाँ लोगों को मैं सिखाता था और उसके मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे जिससे मेरा इंटरनेट का खर्चा निकल जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा और एक्सपर्ट हो गया। मैंने देखा कि यूके, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ में वेबसाइट्स बनवाते हैं लोग। तो मैंने अपना खुद का एक वेबसाइट का बिज़नेस शुरू किया जहाँ पर मैं वेबसाइट बना के लोगों को देता था। ऐसे ही लोगों से मुलाकात हुई, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े सीईओ से मेरी बात हुई। उनको मैंने बताया, सर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ और मैं कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं। तो मैंने फिर वेबसाइट्स बनानी शुरू की। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, अब तो नहीं हूँ, था। तो मैं इंटरनेशनल मैगज़ीन, मेरे को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था कनाडा इंडिया टाइम्स में, तो ये एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, वहाँ पर मैंने हैकिंग के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, कॉन्टेस्ट में दिया था, और मेरा जो आर्टिकल है वो डबल पेज पे फीचर हुआ था। तो इंटरनेशनल मैगज़ीन में वो सबसे पहला मेरा एक्सपोजर था, मतलब मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुका था। ये बात 2014-15 की है, अभी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो तब मेरा जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनली गया। तो आप देख सकते हैं कितना समय लगा मुझे सीखने में। बहुत लोग सोचते हैं कि एक कोर्स डाउनलोड करके या 15 दिन में वो बहुत बड़े हैकर बन जाएंगे, तो आप मेरी स्टोरी ले लीजिए, मैं आज कहाँ हूँ और कितने सालों से कर रहा हूँ। इसमें समय लगता है, जल्दी कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होता। तो अब मैगज़ीन में लिखने लगा मैं, और काफ़ी अच्छा लगा लोगों को आर्टिकल। कनाडा से कॉल आ रही है, यूके से कॉल आ रही है कि आप हमारे साथ काम कर लो, काफ़ी है। तो मैंने लोगों को बताया कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो लोगों ने जानना शुरू किया। मेरी कंपनी थोड़ी सी और बड़ी हो गई और मेरी अब काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा पैसा आ जाता है। बेसिकली वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर से डील करता हूँ मैं। लोगों मेरे अंडर में काम करने वाले 25-26 लोग हैं, काम करते हैं अपने अपने घर से। तो ऐसा कोई ऑफिस वगैरह नहीं है मेरा, लेकिन फ्यूचर में मेरी ज़रूर प्लानिंग है कि मैं कोई ऑफिस खोलूं और अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं, कंप्यूटर के फील्ड में ऐसा करूं कि लोगों का फ़ायदा हो सके और एक्सप्लॉयटेशन कम हो, कंप्यूटर की फील्ड में लोगों का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, कंप्यूटर्स को मैं सस्ते रेट में प्रोवाइड कर सकूं। तो ये तो मेरा सपना है, ठीक है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और आप बोलेंगे कि आप बड़े हैकर हो, आप बहुत बड़े हैकर हो, मुझे लोग बोलते हैं सर सागर सर इज़ ग्रेट। मैं अपने आप को इतना बड़ा हैकर नहीं मानता, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो जो इंसान बोलता है कि वो अपने आप को मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, मैं कुछ भी हैक कर सकता हूँ, तो आप सीधे तरीके से ये जान लें कि उसको कुछ नहीं आता। देखिए, ये फील्ड ऐसी है, या नॉलेज की फील्ड में, या पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है, आप जितना सीखेंगे उतना ही कम है। तो यही बस है, पहला व्लॉग है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया अपने बारे में। ये व्लॉग काफ़ी लंबा है, तो बहुत कम ही लोग शायद इसे देखेंगे। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये सब दिल से बोल रहा हूँ, मतलब इसमें कुछ बनावटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कुछ अलग से बोल रहा हूँ अपने आप को ज़्यादा प्रेज़ करने के लिए। तो जो है जैसा है मैंने आपको इसमें बता दिया। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये तो मेरे इंट्रोडक्शन है व्लॉग में, आगे मैं अपनी लाइफ के बारे में और चीज़ें आपको बताऊँगा। जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं, जैसी जैसी चीज़ों से, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, जैसे काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। खैर, ये तो रहा मेरा पहला व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। नहीं आया तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो है सो है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।